हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं गीता, आपका अपने चैनल क्रिएटिव मदर में स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक कटोरी सूजी से बनने वाला हल्का फुल्का और टेस्टी नाश्ता। बच्चों के टिफिन में देना हो तो ये झटपट 5 मिनट में बनने वाला नाश्ता है, बिना तेल और बिना किसी सोडे के। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिए, इसमें डालेंगे 1 कप सूजी। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, बारीक वाली या मोटी वाली। 1/2 कप दही डालेंगे हम। तो दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते हुए एक थिक बैटर इसका तैयार करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच के करीब मैं नमक का डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार। आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक कम ज़्यादा रख सकते हैं। 1/4 कप पानी मैंने और डाला है और इसे मिक्स करके एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे इसका। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो 10 मिनट हो गए, सूजी अच्छी तरीके से भीग गई है। अब इसमें हमने तड़का तैयार करना है, तो यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है पैन में। इसमें 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसके साथ ही 5 से 6 बारीक कटे हुए कड़ी पत्ते मैं डाल रही हूँ। तो तड़का हमारा बिल्कुल तैयार है, इसे हम ऐड कर देंगे और सूजी और तड़के को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे और भी हेल्दी बनाने के लिए मैं कुछ सब्जियां डाल रही हूँ। यहाँ पर बारीक कटी हुई मैंने शिमला मिर्च डाली है, बारीक कटी टमाटर, बारीक कटे प्याज, सभी चीज़ें मैंने 2-2 चम्मच के करीब ली हैं। आपको जो भी सब्जियां पसंद है आप उस हिसाब से अपनी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ठीक लग रहा था बैटर, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है। और बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, ये देखिए। तो चलिए अब नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गैस पे मैंने 2 गिलास पानी पैन में रख दिया था उबलने के लिए। इस तरीके से रोटी बनाने वाली जो चालनी होती है उसे इस तरीके से रखेंगे, या आप इस तरीके की जो दूध वगैरह ढकने के लिए छाननी यूज़ करते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं इसे बनाने के लिए, क्योंकि हम बिना ऑयल के बना रहे हैं ये नाश्ता। तो इस तरीके से रखने के बाद हम इसके ऊपर एक कपड़ा रखेंगे कॉटन का। ये कपड़े को मैंने हल्का सा यहाँ पर गीला कर लिया है। जैसे ही कपड़े में से स्टीम आने लग जाएगी, 1 चम्मच हम भर कर इस तरीके से बैटर डालेंगे और इसे इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। 1 चम्मच बैटर और डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा और बड़ा बनाएंगे रोटी की तरह। इस तरीके से स्प्रेड करने के बाद हम ढक्कन बंद करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। 3 मिनट हो गए हैं, हम इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ टूथपिक की सहायता से मैं इसे चेक कर रही हूँ। टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, यानी कि हमारा नाश्ता बिल्कुल बनकर तैयार है। इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसी तरह हम बाकी नाश्ता भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा ये नाश्ता तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना जालीदार बना है हमारा नाश्ता। ना ही हमने इनो का ये यूज़ किया है, ना ही सोडे का और ना ही ऑयल का। तो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और इसमें भरपूर मात्रा में हमने सब्जियां भी डाली हैं। बच्चों के टिफिन के लिए ये सबसे बेस्ट है और सिर्फ 5 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी है ये। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाएँ और मुझे बताएँ कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो जरा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।